Okay, guys, so today's topic is foreign exchange rates. हमारा ये chapter 11 आता है और last unit है हमारा ये macro economics का, ठीक है? Macro economics, this is the last unit, ठीक है? इस unit के अंदर जो है आपके पास दो topic आते हैं. Basically, इस unit का नाम है, this is unit 5th. एंड इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, इस यूनिट के अंदर जो है आपका फर्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? एंड फिर सेकेंड टॉपिक आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी एंड बीओटी, ठीक है ना? ये दो टॉपिक आते हैं. तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक से चलेंगे. आज हमारा टॉपिक रहेगा, टुडेज टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑलराइट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करेंगे हम आज, ठीक है? इस टॉपिक के अंदर क्या आता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझना. फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम अपनी करेंसी को किस रेट पर दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. लेट सपोज कि मेरे को अमेरिकन डॉलर, यूएसए का एक डॉलर लेना है, ठीक है ना? यूएसए डॉलर जो है मेरे को मिल रहा है एक वन डॉलर. एक डॉलर जो है मुझे मिल रहा है कितने का? 100 रुपीस का. रुपीस का साइन अब ये है, ठीक है ना? तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? रुपीस 100, ठीक है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू रुपीस 100 एज पर द यूएसए डॉलर, ठीक है ना? मतलब हम अपनी कंट्री की करेंसी देकर हमें बाहर की कितनी करेंसी मिलती है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. हम इसको अगर टेक्निकली बोलें तो ये आता है इन द मॉडर्न सेटअप ऑफ टुडेस वर्ल्ड ऑल कंट्रीज हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज. बिकॉज हमने पढ़ा था एक उसके अंदर जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो बोला हमारा उसके अंदर क्या आया, एक चीज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया. जब पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल विलेज बना दिया तो सिंगल विलेज का मतलब क्या है कि हम लोग कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना? तो हर कंट्री के पर अपनी अलग करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया की रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है, ठीक है ना? अलग अलग करेंसी होती है. इसलिए तो अब हम जब कोई कहीं जाएगा तो पैसे उसको वहां के लिए चाहिए होगा, तो जब वहां की करेंसी लेगा, ठीक है ना, उस करेंसी का एक्सचेंज करेगा तो वो कहलाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है? क्लियर हुई ये वाली बात? उसके बाद आपके पास आता है सबसे पहले इसका मीनिंग. मीनिंग देख लेते हैं हम लोग. मीनिंग क्या आता है हमारे पास, देखिए, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है? इन टेक्निकल टर्म्स हम बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ द स्टॉक्स ऑफ, स्टॉक्स ऑफ किसके, स्टॉक्स ऑफ फॉरेन, फॉरेन करेंसीज एंड सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन को हम समझते हैं. इट रेफर्स टू द सम ऑफ द स्टॉक्स, मतलब जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं उन सबका स्टॉक, किसका, फॉरेन करेंसी का, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स जो फॉरेन कॉर्पोरेट ने इशू करे हैं उसका एक कंट्री के पास, उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल दिया, इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल टर्म्स में पढ़ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिससे हम लोग अपने देश की करेंसी को किसी और देश की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना? हम टाइप्स पे बढ़ते हैं.
types of foreign exchange rate. ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है देखिए. यस, टाइप्स के अंदर आपके पास क्या क्या आते हैं देखिए. आपके पास थ्री टाइप होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के. ठीक है, पहला टाइप होता है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट का, होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है ना. सेकंड होता है आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है. फिर होता है आपके पास लास्ट मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है ना, ये आपके पास तीन आते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है आपके पास ये वाला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड आता है फ्लेक्सिबल, थर्ड होता है मैनेज. हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को चलते हैं लेकर. ठीक है ना, देखिए फर्स्ट दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी करंसी से जो आपका एक्सचेंज होता है करेंसी का, वो फिक्स रहता है अमाउंट, ये चेंज नहीं होता. अगर हम पढ़ें तो बेसिकली प्रेफर्ड टू द सिस्टम इन व्हिच द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना, इन इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम, इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, द रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी, फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है ना, किसको स्टेबलाइज करने के लिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम को. तो एक पॉइंट है वो लिख लेना, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज, to stabilize the exchange rate. ठीक है ना, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. और हम साथ साथ ये कह सकते हैं इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर कंट्री जो है अपना वैल्यू ऑफ करेंसी जो है गोल्ड सिल्वर या अदर प्रीशियस मेटल के अकॉर्डिंग जो है फिक्स करती है. ठीक है ना, तो हम ये साथ साथ लिख सकते हैं अंडर दिस, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ईच कंट्री मेंटेन्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मेटल, अदर प्रीशियस मतलब कंट्री क्या करती है, किसी और मेटल के उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सिस्टम जो है मेंटेन कर लेती है. और इसके अंदर जो मेन आते हैं बड़े टू, मतलब फिक्स्ड रेट सिस्टम के अंदर दो सिस्टम है जो बड़े से कहते हैं फेमस रहे हैं पहले. ठीक है ना, टू सिस्टम जो है इसके अंदर फेमस हैं, टू फेमस सिस्टम, दो फेमस सिस्टम इसके अंदर रहे हैं. वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम,
ठीक है ना, ऑफ एक्सचेंज रेट। एंड लास्ट सेकंड होता है द ब्रिटन वुड, द ब्रिटन वुड्स सिस्टम, ठीक है ना। तो ये दो सिस्टम जो है इसके अंदर आते हैं आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो है एक्सचेंज करती है, इस वाले सिस्टम के अंदर ये होता है। ओके, और ब्रिटन वुड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ब्रिटन वुड सिस्टम है ना, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम एक अडॉप्ट करा जाता है। जितने भी कंट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लो आपस यूएस डॉलर है या जापान डॉलर है, उसको वो गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या होता है, पहले गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, पेग्ड सिस्टम रहता है, ठीक है ना, और इसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सचेंज करते हैं। आपने सुना होगा IMF के बारे में, IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, वर्क्ड एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग दिस सिस्टम। जो IMF है ना, वो इस सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्रिटन वुड सिस्टम को, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? ओके, ऑलराइट, तो हम आगे चलते हैं। ये हुआ हमारे पास क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके बाद आपके पास सेकंड आता है आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या कहता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, अब फिक्स में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है फिक्स कर देती है और गवर्नमेंट जो है पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, ठीक है ना। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है करेंसी जो है डिफरेंट कंट्री की डिटरमाइन करती है अपनी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होना। मतलब कि अंडर दिस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, by the market forces of demand and supply, ठीक है ना। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये आपके पास एक्सचेंज रेट का मैंने एक बना दिया, इसके अंदर आपका ये क्या है, सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, ये क्या है, डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे क्या है, आपकी करेंसी की वैल्यू, करेंसी क्वांटिटी, यहाँ पर करेंसी वैल्यू, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होता है कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मीट करा, तो करेंसी की वैल्यू इस क्वांटिटी पे डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही डायग्राम सेम बनाकर आना होता है हमको, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब मान लो डिमांड हुई $1,000 की, ठीक है ना, और सप्लाई भी हो गई इतने की, तो किस पे हुई, मान लो इंडियन करेंसी के 90 रुपए पे डिमांड और सप्लाई फिक्स हुई, तो 90 रुपए करेंसी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और 1,000 क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, 1,000 क्वांटिटी 90 उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा फिक्स, ठीक है। तो एक चीज जो है इसमें मेन ध्यान रखनी होती है वो ये है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट अपना कोई इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करती है, there is no government intervention लिख लीजिए, या फिर आप लोग जो है इसको interference लिख सकते हैं, ठीक है ना। और exchange rate जो है आप इसको simple कह सकते हो, it is determined by the market demand and supply forces, ठीक है ना। और इसको par rate of exchange भी कहते हैं, मतलब demand which demand for currency is equal to its supply, मतलब exchange rate by this method is also known as इसको और क्या कहते हैं, is also known as par rate of exchange, ठीक है ना। पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है ना, और नॉर्मल रेट भी कहते हैं, और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं,
और इसको हम बेसिकली इसका जो मेन ये नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इसलिए नाम है बिकॉज ये चेंज होता रहता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना। अब इसके मेरिट्स ये होते हैं कि इससे हमारी ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन नहीं होती, हमेशा जो है कंट्री के पास इनफ वेंचर रहता है कैपिटल करने के लिए। अगर लगता है कि किसी डिमांड में डॉलर की डिमांड 1000 से बढ़कर 2000 हो गई तो ये रेट भी बढ़कर 90 से 90 से ऊपर 110 120 तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये रहता है आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास मैनेज्ड, थर्ड आता है आपके पास मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है, देखो मैनेज भी है फ्लोटिंग भी है। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लोट तो कर रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज तो हो रहा है, बट वो क्या है हमारा मैनेजेबल है, ठीक है ना। इसको हमने मैनेज कर रखा है। ये वो सिस्टम होता है इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। तो आप ये लिख दोगे इसकी डेफिनेशन में, अंडर दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम foreign rate is determined by market forces and central bank। अब central bank किसका, हर country का अपना central bank। central bank stabilizes the exchange rate। सेंट्रल बैंक जो है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करती है, ठीक है ना। किसमें, इन केस ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जब हमारा करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होगी एंड और इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन या करेंसी की वैल्यू कम, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। अब ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का, वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर अलग से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एप्रिसिएशन व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। उसके अलावा इस वाले टॉपिक के अंदर और क्या आता है, जो सेंट्रल बैंक होती है इंटरवेन एज अ बल्क बायर। सेंट्रल बैंक क्या करती है, इसमें सेंट्रल बैंक बल्क बायर बन जाती है, सेंट्रल बैंक बिकम्स बल्क बायर। बल्क बायर मतलब कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो गई करेंसी की तो ये बल्क बाय कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि करेंसी का जो रेट है ना वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाता, ठीक है ना। लोग नहीं खरीद रहे तो खुद खरीदेगी, ठीक है ना। और इस सिस्टम को मतलब ये सिस्टम जो है ना, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड समझते हो ना, जैसे मान लो अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल वाली गाड़ी है, आपने जो है सीएनजी भी लगवा ली, तो उसे हाइब्रिड कहते हैं ना। कि क्या हुआ कि कभी कभी तो हम पेट्रोल से चला लेते हैं, कभी कभी हम लोग जो है सीएनजी से चला लेते हैं, ताकि जो है दोनों का बैलेंस बना रहे, हमारा खर्चा बैलेंस होता रहे, ठीक है ना। इसको एक हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है ना, और ना ही आपकी करेंसी वैल्यू ज्यादा घटती है, तो स्टेबल रहता है, ठीक है ना। स्टेबलाइजर का काम करता है एक तरीके से। अगर कंट्री चाहे तो इसको मैनिपुलेट कर देती है, ठीक है ना। और जब मैनिपुलेट करती है कंट्री, तो उसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक टर्म आ जाती है आपके पास, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है ना। उसको हम एक बार देख लेते हैं, देखें डर्टी फ्लोटिंग ये आ जाता है बहुत बहुत। डर्टी फ्लोटिंग में क्या होता है कि अगर कोई कंट्री जो है मैनिपुलेट कर रही है एक्सचेंज रेट को बाय नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हिच इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है ना। इफ अ कंट्री मैनिपुलेटिंग, इफ अ कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट, मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट by not following rules, not following rules and regulations, ठीक है ना, then it is called
ऑलराइट, क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है ना। सो कोई इश्यू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसके आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ओके okay?